ओरल हेमेटोमा जिसे कहते हैं हम, कान में स्वेलिंग हो जाना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे डॉग में जिनको कानों में इन्फेक्शन रहता है, या फिर माइट्स का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन अगर डॉग को हो गया तो लगातार अपने कानों को वो झटकेंगे और स्क्रैच करेंगे, इस कारण से इंटरनल इंजरी हो जाएगी, इससे कान फूल जाते हैं। इसे कहते हैं ईयर हेमेटोमा या ऑरल हेमेटोमा। इसके बारे में जानेंगे कि हम इसको कैसे ठीक करें। चलिए शुरू करते हैं। ईयर हेमेटोमा, ऑरल हेमेटोमा या कानों में स्वेलिंग हो जाना, ये मोस्टली ऐसे डॉग में ज्यादा कॉमन है जिसमें कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उसको फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर उसको माइट का इन्फेक्शन हो जाए, जिससे वो लगातार स्क्रैच करेंगे, इच करेंगे। और इच करने से क्या होता है, जब वो स्क्रैच करते हैं, इच करते हैं, तो जो ईयर कार्टिलेज होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं, उसमें जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड सप्लाई है वो रप्चर कर जाती है, जिस कारण से ब्लीडिंग होने लगती है। तो स्किन के बीच नीचे सबक्यूटेनियस स्वेलिंग हो जाती है, इसे इसे हम कहते हैं ऑरल हेमेटोमा या ईयर हेमेटोमा। तो बेसिकली क्या है कि इसके जो कॉजेज होते हैं इसको हमें रूल आउट करना बहुत जरूरी है। अगर हम कॉज को रूल आउट कर देंगे तो फ्यूचर जो इसकी अकरेंस है हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी भी डॉग को जो है ऑरल हेमेटोमा या ईयर हेमेटोमा हो गया, तो हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? तो देखिए बेसिकली क्या है कि ठीक करने का ऑप्शन इसके पास दो है, मेडिकल मैनेजमेंट है, एक आपका जो है सर्जिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसको कुछ मेडिसिन दी जाती है जो इंटरनल हीलिंग करे। वो आपको डिपेंड करता है कि कितनी इसकी सीवेटी है ऑरल हेमेटोमा की, इनिशियल स्टेजेस है, माइनर स्वेलिंग है, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्वेलिंग काफी ज्यादा हो जाए, काफी ईयर का फूला ज्यादा दिख रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें सर्जिकल इंटरवेंशन ही लेना पड़ता है। सर्जरीज जो है कई तरह की होती हैं, फ्लैप सर्जरीज होती हैं, सरकम इंसिजन दिया जाता है, या फिर आपको लीयर इंसिजन देके उसकी पूरी ब्लड जो क्लॉट हो चुका है उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन है और डिपेंड करता है कि डॉग ब्रीड क्या है और कौन सा ऑप्शन ज्यादा फेवरेबल है, ये सर्जन डिसाइड करते हैं, उसी हिसाब से फिर जो है ये सर्जरी होती है। तो कभी भी अगर आपके डॉग को ईयर हेमेटोमा या ऑरल हेमेटोमा हो रहा है तो बेसिकली क्या है कि उसको आप ज्यादा डिले मत कीजिए। ज्यादा डिले करेंगे तो कंडीशन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और फिर वो जल्दी ठीक नहीं होगा, सर्जरी के बाद भी रिलैप्स करता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि माइनर सी ईयर स्वेलिंग है, इमिडिएटली डॉक्टर को दिखा दीजिए। इमिडिएट अगर मेडिकल मैनेजमेंट हो जाएगा तो उसको हम रोक सकते हैं। कॉज बहुत जरूरी है, इसलिए हमें अपने डॉग के कानों की सफाई बहुत रेगुलरली करना जरूरी है। माइटीसाइडल मेडिकेशन हमें देना है जिससे माइट्स, ईयर माइट्स ना हो। स्पॉट ऑन आते हैं, इसको आप मंथली प्रिवेंटिव में यूज कर सकते हैं। ब्रेवेक्टो आता है, आप 3 महीने में आप इसको एक बार दे सकते हैं। सिंपेरिका आप महीने में एक बार दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो माइट के कारण जो प्रॉब्लम है वो ईयर को नहीं होगी, इस कारण से ईयर में जो माइट इंड्यूस इन्फेक्शन होता है जिसे ट्रिगर करके ईचिंग करेगा वो नहीं होगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी है। इतना प्रिवेंटिव करेंगे तो ऑरल हेमेटोमा नहीं होगा, और अगर हो गया तो बेसिकली क्या है, अर्ली स्टेज में हम तुरंत मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हैं, और लेट स्टेज में सर्जिकल मैनिपुलेशन है। जैसे एक डॉग क्लिनिक पे आया था, लैब्राडोर, पिक्चर भी देख रहे होंगे, तो इसको इसकी काफी ज्यादा ईयर में काफी ज्यादा हेमेटोमा था, तो इसको हम लोगों ने सर्जिकली इंटरवीन किया और सर्जिकली हमने मैनेज करके इसको ठीक किया। तो बेसिकली जो है इसको आपको घर पे नहीं ठीक कर सकते, एक सर्जिकल कंडीशन है और आपको इसको क्लिनिक पे ही ले जाना पड़ेगा। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि जो भी ट्रिगरिंग एजेंट होते हैं जिससे कि ये हो सकता है उसको हमें रोकना है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए मंथली स्पॉट ऑन आप जरूर लगाइए, आप हफ्ते में एक बार कान की सफाई कीजिए जिससे कि ये दिक्कत नहीं आएगी। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। डॉक्टर मिश्रा से बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कॉल मी फॉर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कॉल मी फॉर ऐप से उनकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर मिश्रा @CM4। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए, उसके बाद कॉल मी फॉर वैलेट को रिचार्ज कीजिए, मनी ऐड कीजिए, और मनी ऐड करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वो अवेलेबल हों। थैंक यू।